Anshu ji, please take the stage. Anshu Harsh is our next poet. She's a publisher and editor of Rajasthan's first bilingual monthly lifestyle magazine, Simply Jaipur, and a weekly newspaper, Voice of Jaipur. She's the founder of the Rajasthan International Film Festival and the regional operational head of Pick a Book in Jaipur. Anshu ji has written two Hindi poetry collections, Shabdo Ka Samandar, along with its English translation, Samandar the Ocean, and The Platonic Love. She has edited two books by Pandit Vijay Shankar Mehta titled Corona Jag Ki Saptapadi and Kahaniya Jeevan Ki. Anshu ji. थैंक यू सो मच लक्ष्य और सभी को नमस्कार प्रणाम करते हुए मैं खुद को शब्दों का समंदर कहती हूँ और उसी समंदर में से कुछ शब्द चुनकर आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। इस मंच पर मैं बहुत गर्व के साथ खड़ी होती हूँ क्योंकि इस मंच पर विश्व की तमाम भाषाएं अपनी अपनी बात कहती हैं और मैं हिंदी में अपनी बात कहती हूँ। कविता मेरे लिए जीवन है, एक ऑक्सीजन सिलेंडर की तरह, क्योंकि अगर कविता नहीं होती तो शायद मेरा जीवन घुट कर खत्म हो गया होता। तो चलिए आज कविताओं के माध्यम से आप सभी को एक जीवन यात्रा करवाती हूँ। शुरुआत करती हूँ बचपन से। किसी शायर ने कहा है, बचपन की वो अमीरी न जाने कहाँ गई जब बारिश के पानी में हमारे भी जहाज तैरा करते थे। तो उसी का आगे विस्तार करती हूँ कि वो हिम्मत वो हौसला कहीं छुप गया जब कोहरे की सुबह साइकिल लेकर निकल पड़ते थे। वो मासूमियत अब कहाँ जब छत पर बैठकर तारे गिना करते थे। कहाँ अब वो बेफिक्री जब किसी के उदास होने की फिक्र भी ना किया करते थे। अब कहाँ है ऐसी हुकूमत जब रेत के घर बनाकर उन पर नाम लिख दिया करते थे। अब कहाँ है वो जिंदा दिली जब मिट्टी में पानी मिलाकर खूब कीचड़ से खेला करते थे। अब कहाँ है वो अलबेला मन जब गुब्बारों के रंग पे अटक जाया करते थे। अब समझदारी दुनियादारी वफादारी सभी निभाने में लगे हैं। बचपन की वो नादानी कहाँ गई जब हम इन सबको समझा भी ना करते थे। जब हम इन सबको समझा भी ना करते थे। जब हम बड़े होने लगते हैं तो बहुत गौर से सुनेगा, हम बड़े होना नहीं चाहते हैं क्योंकि अंतर मन में कहीं यही बात रखते हैं कि दिल में एक बच्चे को हमेशा जिंदा रखना चाहिए। तो उसी पर एक कविता है कि उम्र बढ़ रही है लेकिन बचपन नहीं जाता, या यूं कहूं कि मैं उस बच्चे को भेजना ही नहीं चाहता। भूल जाऊंगा खुद को अगर वो चला गया, नादान हूं खुद के सिवा कुछ सोचना नहीं चाहता। वो है तो जिद है कुछ कर गुजरने की, वो है तो जिद है कुछ कर गुजरने की। बड़प्पन में समझदारी है, डर है, कुछ किया नहीं जाता। दिल के किसी कोने में छुपी है आज भी याद तुम्हारी। गौर से सुनेगा, आप सभी के दिल के करीब होगी। दिल के किसी कोने में बसी है आज भी याद तुम्हारी। बचपन के उस प्यार को मैं भुलाना नहीं चाहता, बचपन के उस प्यार को मैं भुलाना नहीं चाहता। और जब मोहब्बत दस्तक देती है जीवन में तो एक साथ अंतर मन में हमारे साथ हर वक्त करवटें बदलता है। तब हम यूँ लिखते हैं कि नींद मेरी ख्वाब तुम्हारे, संगीत मेरा लफ्ज तुम्हारे, मैं सांस हूँ तुम आवाज़ हो, मैं गीत हूँ तुम अंदाज हो, मैं बादल हूँ तुम बरसात हो, मैं मन और तुम मचलते जज्बात हो, मैं जिंदगी हूँ तुम सांस हो, मैं शायर हूँ तुम अंदाज हो, मैं नज़र हूँ तुम अनकही बात हो, मैं दिल हूँ और तुम धड़कन की आवाज़ हो, मैं दिल हूँ और तुम धड़कन की आवाज़ हो। फिर दिल टूटता है तो दो पंक्तियाँ यहाँ भी मुझे याद आती है, हालांकि शिकायत का जो शब्द है वो मेरी डिक्शनरी में कम ही आता है। फिर भी सिर्फ दिल रखने का हुनर होता है, सिर्फ दिल रखने का हुनर होता है। कोई भी शख्स किसी के लिए ज़रूरी नहीं होता, कोई भी शख्स किसी के लिए ज़रूरी नहीं होता। दोस्त हमारे जीवन में होते हैं, हमारे साथ चलते हैं बचपन से लेकर बुढ़ापे तक। तो उन सभी दोस्तों को समर्पित एक कविता है कि जब मुझसे मिलो तो वैसे ही मिलना जैसे पहले मिला करते थे। रेत के लड्डू फेंकते हुए मुझे तुम्हारे ब्रांडेड कपड़ों का ख्याल ना करना पड़े। रेत के घरौंदे बनाते हुए तुम्हारे महंगे जूतों की मुझे फिक्र ना हो। चाय की चुस्कियों के साथ
पार्ले जी का स्वाद तुम्हें भी याद आए। मिलो अगर तारों की छाया में तो वैसे ही बिंदु मिलाना जैसे हम बचपन में मिलाते थे। घटाओं में कभी मिल जाओ तो वही आकार बनाना बादलों की। बारिश की बरसती बूंदों में अगर मिल जाओ तो भीगने से मत डरना, बहा देना जीवन के सारे दर्द उसमें। चांद की चांदनी में अगर कहीं मिल जाओ तो बाहें फैलाकर समेट लेना उस चांदनी को अपने दामन में। सूरज की रोशनी में अगर मिल जाओ तो मैग्नीफाइंग ग्लास से जला देना सारे गिले शिकवे। बचपन में हम सभी ने कुछ कागज जलाने की कोशिश की होगी तो उसी का जिक्र मैंने याद किया है कि कभी मिलो मुझसे तो मुझसे मेरे वही दोस्त मिलकर, कभी मिलो मुझसे तो मेरे वही दोस्त बनकर मिलना जिसके साथ से मुझे पूर्णता का एहसास है। पद प्रतिष्ठा को परे कर मिलना मुझसे, क्योंकि उसी से हमारे जीवन में मिठास है, क्योंकि उसी से हमारे जीवन में मिठास है। और अगली कुछ कविताएं जीवन के सबसे खूबसूरत एहसास को यानी प्रेम को मैं समर्पित करती हूँ, जो अलग अलग रूपों में हमारे साथ हमेशा रहता है। एक पंक्ति मैंने लिखी है, मुझे नहीं पता जिंदगी का अनुभव है या एक सुनी हुई बात, कि पहला प्यार अधूरा होता है लेकिन पहला प्रेम व्यक्तित्व को हमेशा पूर्णता देता है। तो प्रेम कभी चाहत नहीं रखता कुछ पाने की, प्रेम सिर्फ देना जानता है। प्रेम को नहीं चाहिए चार दीवारें रहने के लिए, वो चाहता है खुला आसमान, झील नदियां समंदर की गहराई समा जाने के लिए। प्रेम नहीं देता कभी भी दर्द तोड़ देने के लिए, वो जोड़ता है हर टुकड़े को अपने सुनहरे मखमली मन से। प्रेम कभी नहीं कहता कि चला जाऊंगा तुमको छोड़कर, तुम्हें जाना हो तो तुम चले जाओ। प्रेम रहता है एक ख्याल बनकर अपने अंदर, बस सुकून देने के लिए। प्रेम कभी मांग नहीं करता कुछ पा जाने की, वो दे जाता है अपनी आखिरी सांस भी मुस्कुराते हुए, वो दे जाता है अपनी आखिरी सांस भी मुस्कुराते हुए। और मेरे लिए प्रेम कायनात का सबसे सुंदर एक रंग है, जिसे बसंत का रंग कहा जाता है, जिसे गीता में श्री कृष्ण ने ये कहा है कि जो ऋतुओं में बसंत है वो मैं हूँ और वो पीला रंग है। तो पीले कपड़ों वाली लड़की, ये शीर्षक है मेरी अगली कविता का। वो मुस्कुराकर हर सुबह का स्वागत करती थी, चाय की जगह वो दूध में पताशा मिला के पिया करती थी। पीले कपड़ों वाली वो लड़की एक अलग अंदाज में जिया करती थी, खामोश सी बातें गुनगुनाती सौगातें वो मेरे साथ कभी कभी कुछ बांट लिया करती थी। पीले कपड़े वाली वो लड़की एक निराले अंदाज में जिया करती थी, दिल नहीं दुखाती थी किसी का, मन में राम नाम की अलख जगाने का हौसला रखती थी। पीले कपड़े वाली वो लड़की अपने सूफियाना अंदाज में जिया करती थी, लिखती थी गाती थी बंद कमरे में वो, लेकिन जमाने पे छा जाने का हुनर रखती थी। पीले कपड़े वाली वो लड़की अपने अंदर एक जमाना रखती थी, हर सवाल का जवाब होता था उसकी कहानी में। मेरी हर बात पे वो हंसकर अपनी चमकती हुई आंखों से मुझे देखा करती थी। पीले कपड़े वाली वो लड़की अपनी बातों में सदियां रखती थी, कहना चाहती थी वो बहुत कुछ मुझसे, कभी ऐसा मुझे लगता था। कहती थी तुम नहीं समझोगे मुझे, पीले कपड़ों वाली वो लड़की जीता जाता आध्यात्म लगती थी। बहुत याद आती है उसकी वो बातें वो मुलाकातें, शायद अपनी जिंदगी को मेरे करीब रखकर वो देखती थी। और पता नहीं क्यों ऐसा लगता है मुझको कि पीले कपड़े वाली वो लड़की अब मेरी हर सांस में जिया करती है। पीले कपड़ों वाली वो लड़की अब मेरी सांस में जिया करती है। हमारा जीवन हर लम्हा बदल जाता है, तो उसी बदलाव को समर्पित एक कविता। पहले नहीं सोचती थी लेकिन अब हर पल सोचती हूँ तुम्हें, पहले नहीं सोचती थी लेकिन अब हर पल सोचती हूँ तुम्हें, पहले नहीं लिखती थी अब हर पल लिखती हूँ तुम्हें, पहले नहीं था कोई ख्वाब लेकिन अब है मेरी स्वप्निल आँखें, पहले नहीं थी कुछ पाने की खुशी और खोने का दम लेकिन अब तुम्हें खोने से डरती हूँ मैं, पहले नहीं थी नादानियाँ जीवन में लेकिन अब बहुत सी नादानियाँ करती हूँ मैं, पहले नहीं डरती थी लेकिन अब डरती हूँ तुमसे भी क्योंकि थोड़ी सी
बदल गई हूँ मैं, क्योंकि थोड़ी सी बदल गई हूँ मैं। और चलते चलते कुछ शब्द जो हैं आखिरी में, तो यही कहना चाहूँगी कि मुझे नहीं पता कि मेरे शब्दों में कितनी ताकत है किसी के दिल को छू जाने की। मुझे नहीं पता मेरे शब्दों में कितनी ताकत है किसी को छू जाने की, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरे शब्दों की ताकत मेरे भाव है, और मेरे भावनाओं की ताकत उसको भी मैं पहचानती हूँ। मुझे नहीं पता कि ये शब्द मेरे जीवन में मुझे कुछ मुकाम देने में कहाँ तक ले जाएंगे, लेकिन कुछ हासिल हुआ तो उस ऊंचाई से ही आंखें मूंद कर उस रब का शुक्राना अदा कर दूंगी। मेरी प्रेरणा तुम्हें दूर से ही सब कुछ नज़र कर दूंगी। मेरी प्रेरणा तुम्हें दूर से ही सब कुछ नज़र कर दूंगी। बहुत आभार।